नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के फर्नीचर में। मैं आपका दोस्त अश्विनी विश्वकर्मा। तो दोस्तों, जो आप वार्डरोब देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई बता देता हूं। तो दोस्तों, इसकी लंबाई और चौड़ाई 10.5 फिट, मतलब ये चौड़ा है, और 11 फिट ये ऊँचा है। और दोस्तों, इसका गहराई जो है 23.5 इंची है, यानी 2 फिट में आधी इंची कम है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें व्हाइट कलर का माइका लगाया गया है, मतलब जो हाफ व्हाइट होता है उस कलर का माइका बाहर लगाया गया है, और जो फुल व्हाइट है वो अंदर लगाया गया है। तो दोस्तों, जो बाहर माइका लगा हुआ है ये ग्लोसी माइका है, और जो अंदर लगा हुआ है वो लाइनर माइका है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें, मतलब इस रूम में बहुत ज़्यादा जगह ना होने के कारण बीच में LCD कवर भी बनाई गई है, जिससे अगर आपके पास जगह कम हो तो आप LCD कवर बीच में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको डोर ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये ऑटो इंजिस मिजागरा पर चलाया गया है। अगर आप चाहें तो W मिजागरा, मतलब कब्जा, या L कब्जा पर चला सकते हैं, अपने हिसाब से दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हैंगरिंग एरिया दी गई है, और साइड में, राइट साइड में आप देख रहे हैं, इसमें सेल्फ डाला गया है कि जैसे अपना सामान वगैरह रखें तो ये ओपनेबल सेल्फ है, जब चाहें आप अपना हटा सकते हैं। और ये दोस्तों ड्रॉवर बनाया गया है नीचे, अपना जो बोलते हैं ना पर्सनल लॉकर, तो उस हिसाब से दोस्तों ये होता है वार्डरोब में, ड्रॉवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप लोग ये नीचे देख रहे हैं सीढ़ी कबर्ड के नीचे जो मैंने ड्रॉवर बनाया हुआ है, तो पहले ड्रॉवर में दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें डिवाइड किया गया, पार्ट किया गया छोटा छोटा। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे अपना छोटा मोटा सामान होता है तो इसमें रख सकते हैं अपने हिसाब से, उस हिसाब से बनाया गया है, जैसे LCD कवर है, और यहाँ पर अपना रिमोट वगैरह छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और ये नीचे वाला ड्रॉवर जो बनाया गया है, ये पूरा स्पेस दिया गया है इसमें, मतलब इसमें डिवाइड नहीं किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सेम इसी तरह इसका सारा ड्रॉवर बनाया गया है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि ये ड्रॉवर बनाया गया है, तो दोस्तों ये इस पर्पज़ से बनाया गया है कि जिसे आप अपना जूता चप्पल वगैरह रख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप अपना मतलब पर्सनल सामान भी रख सकते हैं। और ये चैनल पर भी चलाया गया है दोस्तों, बहुत लोग इसको गाड़ी पर पहिए पर चलाते हैं, तो दोस्तों ये चैनल पर भी चलाया जा सकता है, आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मतलब साइड का ये बनाया गया है, इसमें मैंने हैंगरिंग एरिया नहीं दी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टोटल सेल्फ रखा गया है। और जितने भी सेल्फ हैं दोस्तों, ये टोटल ओपनेबल है, मतलब इसको जब चाहें आप अपना हटा के रख सकते हैं। जैसे बड़ा सामान आपको रखना है, बैग वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये सेल्फ अपना हटा के नीचे रख दें, फिर उसके बाद अपना सामान रख सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अपने माड़िया की ओर, जो दोस्तों ऊपर बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये ऊपर का स्पेस, मतलब ये 2.5 फिट में बनाया गया है, 2.5 फिट के एरिया में बनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे बड़ा सामान, सीजनी सामान, रजाई, गद्दा, बेब केस वगैरह, मतलब जो कम यूज का सामान होता है, तो ये ऊपर रखा जाता है, इसीलिए दोस्तों इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।